जय हिंद विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विषय में अपनी कठिनाइयों के निवारण के लिए अनेक विद्यार्थियों के द्वारा सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न प्रेषित किए जा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनके प्रश्नों का यथाशीघ्र उत्तर दे पाऊं। तो ऐसे ही एक विद्यार्थी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो मेरे पास पहले से बना हुआ वीडियो नहीं था, तो आज मैं आपके लिए इसी प्रश्न पर एक वीडियो लेकर आया हूं। आप स्वयं भी देखिए और अपने साथियों से इसे शेयर भी करें ताकि वह इसे अच्छी तरह समझ पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मांग की जो लोच है, मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि या कमी का उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताता है। तो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है वस्तु की प्रकृति। मतलब जिस वस्तु की मांग की लोच की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। अगर वह वस्तु अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, यानी ऐसी वस्तु है जिसका हर घर में प्रयोग किया जाता है, यानी जिसकी कीमत में वृद्धि होने पर भी हम उसके उपयोग को कम नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसी जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है या लोचहीन होती है, अर्थात उन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का उस वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे खाद्य तेल, आप देख रहे हैं कि खाद्य तेल इस समय बहुत महंगा हो गया है, 155-160 रुपये लीटर आ रहा है, लेकिन वह चूंकि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है तो आप उसके प्रयोग में कमी नहीं कर सकते हैं। तो जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उन अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह बेरोजगार होती है। दूसरे तरह की ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो सुविधापूर्ण या आरामदायक वस्तुएं हैं, मतलब जो हमारे लिए जरूरी तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग जो है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उनकी मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। तो जो सुविधापूर्ण वस्तुएं होती हैं या आरामदायक वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है, अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि का जो प्रभाव है उसकी मांग पर पड़ता है। तीसरे प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं विलासिता की वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं, अर्थात जिनकी हमें आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन हम अपने पास पड़ोस में देख करके उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे स्मार्टफोन में भी जो महंगे आईफोन वगैरह होते हैं, ये विलासिता की वस्तुएं हो सकती हैं। इसी तरह एक साधारण कार और एक BMW या मर्सिडीज कार, तो ये विलासिता की वस्तु है। तो विलासिता की वस्तुओं में अगर थोड़ी भी कमी होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन अगर इनकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इनकी मांग कम हो जाती है। मतलब इनकी कीमत में कमी का जो प्रभाव है मांग में अत्यधिक वृद्धि के रूप में देखने में आएगा, और कीमत में वृद्धि का प्रभाव जो है मांग में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, अर्थात विलासितापूर्ण वस्तुओं की जो मांग होती है वह कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। तो वस्तु की जो प्रकृति है, वस्तु की प्रकृति पर मांग की लोच निर्भर करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है वह है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, आपको मालूम है स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, जहां हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाय और कॉफी, अगर चाय बहुत महंगी हो जाए उसकी तुलना में कॉफी सस्ती पड़ने लगे तो लोग कॉफी का ज्यादा प्रयोग करने लगेंगे। इसी तरह जैसे दालें, विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं, तुअर दाल, बटाने की दाल, मसूर की दाल, चौलाई की दाल, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं तुअर दाल इस साल बहुत महंगी है। तुअर दाल 115-120 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है। तो तुअर दाल वैसे तो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, मतलब इसकी मांग की लोच कैसी होनी चाहिए, बेरोजगार होनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुअर दाल के अनेक विकल्प मौजूद हैं, यानी तुअर दाल के स्थान पर हम चौलाई की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, तिवड़ा या लकोड़ी की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, मसूर की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, या मटर यानी बटाने की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता है, इसलिए तुअर दाल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव ये होगा कि तुअर दाल की जो कीमत जो मांग है वह कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि इसका कोई स्थानापन्न वस्तु ना हो, तुअर दाल का कोई विकल्प ना हो, तो
तो तुअर दाल कितनी भी महंगी हो जाती है उसकी मांग में कोई परिवर्तन या मांग में कोई कमी नहीं होती। तो स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता अगर है तो उस वस्तु की मांग लोचदार होगी, और अगर स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है, सरलता से उपलब्ध नहीं है, तो उसकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है वस्तु के प्रयोग को स्थगित करने की संभावना। अगर मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो अगर हम उस वस्तु के प्रयोग को स्थगित कर सकते हैं, यानी उस वस्तु के बिना भी हमारा काम चल सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदने का स्थगित कर सकते हैं, यानी उस वस्तु को हम उस समय बिना खरीद के ऐसे समय के लिए छोड़ देंगे जब उसकी कीमतें अपेक्षाकृत कम होगी। तो वस्तु के प्रयोग को अगर हम स्थगित कर सकते हैं तो उन वस्तुओं की मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। और अगर आप वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं कर सकते, यानी आपको जिस समय वो चाहिए उसी समय चाहिए, जैसे रोटी या दवाइयाँ, अगर आप आज बीमार हैं आपको दवाई की आवश्यकता है, तो आज दवाई कितनी भी महंगी मिले आपको दवाई हर कीमत पर लेनी ही होगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, टीवी न्यूज वगैरह में आ रहा है कि कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ इस समय में बहुत ज्यादा महंगे दामों में बेची जा रही है, उनकी ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगी है। क्यों? क्योंकि अभी हमको उस दवा की आवश्यकता है, मरीज को जब जिस दवा की आवश्यकता होगी उसको उसी समय दी जानी आवश्यक होगी। अगर वह दवा उसको 15 दिन या एक सप्ताह बाद में मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक हो सकता है मरीज जीवित ही ना रहे। तो दवाइयां जैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम स्थगित नहीं कर सकते, उनकी मांग की लोच बेरोजगार होगी। और जिनका प्रयोग हम, जैसे मान लीजिए साइकिल अगर बहुत महंगी हो जाए तो हम साइकिल के प्रयोग को स्थगित कर सकते हैं कि भाई हमको अभी नहीं लेना है साइकिल, हम बाद में लेंगे। तो ऐसी चीजों को हम आगामी समय के लिए टाल सकते हैं, यानी उनकी मांग की लोच लोचदार होगी, यानी कीमत में वृद्धि से उनकी मांग में कमी हो जाएगी। जो चौथा कारक है वह है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी मांग दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, जैसे मान लीजिए कि डबल रोटी और मक्खन बटर, डबल रोटी के साथ सामान्यतः बटर खाया जाता है। इसी तरह पैन के साथ स्याही, मतलब पैन में स्याही अनिवार्य है, दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, अगर पैन की मांग बढ़ेगी तो स्याही की मांग भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार ऐसी वस्तुएं जिनकी संयुक्त मांग होती है, तो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो कैसी होगी? बेरोजगार होगी। यानी अगर मान लीजिए सिर्फ पैन और स्याही की बात करें, तो पैन की अगर मांग में कमी नहीं होती, यानी समाज में पैन की लोगों को आवश्यकता है, तो पेन की मांग में अगर कमी नहीं होती तो स्याही कितनी भी महंगी हो जाए हम स्याही की मांग करेंगे, यानी स्याही की मांग में कोई कमी नहीं होगी। अर्थात स्याही की मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी, कीमत में वृद्धि का भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जिन वस्तुओं की संयुक्त मांग होती है, संयुक्त रूप से मांग की जाती है, उनकी मांग की लोच बेरोजगार होगी। पांचवा जो कारक है वह है वस्तु पर आय का व्यय किया जाने वाला भार। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम अपनी आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए माचिस। आपने देखा है कि हर घर में माचिस का एक और आता है जिसमें 10 माचिस रहती है, वो 10 माचिस हमको महीने भर चल जाती है। तो 10 रुपए की माचिस अगर वो 20 रुपए की भी आने लगे, यानी अगर उसकी कीमत में 100% की वृद्धि हो जाए, तब भी उसकी मांग में कोई कमी नहीं होगी, उसकी मांग उतनी ही होगी। इसी तरह नमक 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक आता है, अगर नमक 50 रुपए किलो भी हो जाए तो उसकी मांग में ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हम नमक पर अपनी आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। यानी घर में ज्यादा से ज्यादा महीने में 2 किलो नमक लगेगा या 3 किलो लगेगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी जैसे दाल, खाद्य तेल, चावल, गेहूं, दूध, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हम अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं। जैसे कि चावल, मान लीजिए मुझे एक महीने में 50 किलो चावल घर में अगर लगता है, तो 50 किलो चावल अगर 40 रुपए के रेट में मिले तो 50 किलो चावल 2000 रुपए का हो जाएगा। चूंकि मेरी आय का बड़ा हिस्सा चावल में खर्च होता है, तो चावल की कीमतों में कमी का मेरी मांग में प्रभाव पड़ेगा। अगर चावल को महंगा हो जाता है तो मैं दूसरे उसके स्थानापन्न चावल की तरफ जाऊंगा। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं पर हम अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं, उनकी जो मांग की लोच होती है वह लोचदार होती है,
तथा जिन वस्तुओं पर हमारी आय का बहुत थोड़ा खर्च होता है उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने से उन वस्तुओं की मांग में कोई कमी नहीं आती, या अगर कीमतें कम भी हो जाए तो उनकी मांग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। तो इस प्रकार मांग की लोच को प्रभावित करने वाले ये पांच कारक यहाँ पर हमने बताए हैं। अर्थशास्त्र में ऐसे और टॉपिक हैं जिन पर कि अभी तक हम अपने वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के और उन प्रश्नों को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दें। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, तथा अपने साथियों से इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा घंटी के बटन को दबा करके आप नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ऐसा करने के तो आपको आगे भी अध्ययन में आसानी होगी। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।